गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। सो आज हमारा दिन शुरू हो चुका है। मैं घर से जब निकली थी तब मैं वीडियो बनाना भूल गई थी और आज मैं आई हूँ अपनी स्कूटी पे, पुराना टाइम। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि मैं देख रही हूँ कि मुझे कौन सी कार लेनी है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम फिर से जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अब हम कौन कौन सी कार और देखने जा रहे हैं, क्योंकि मैं जो लास्ट टाइम गई थी मेरा उस पर अभी 100% श्योर नहीं हुआ है। मेरे को बहुत सारी चीज़ें फैक्टर कंसीडर करने पड़ते हैं जब आप गाड़ी लेते हो, तो इसलिए मेरी बात बनी नहीं अभी वहाँ पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दो और मैं देख लेती हूँ ब्रांड की कौन सी कार लेनी चाहिए, और फिर लास्ट में मैं आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फैक्टर कंसीडर करे किस कार को मैंने चूज़ किया। तो फटाफट से चलते हैं और आप देखो हम कौन कौन से शोरूम विज़िट करने वाले हैं। एंड आप भी अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट फैमिली कार कौन सी है, इस टाइम पे कौन सी लेनी चाहिए। और लेट्स गो, चलें। नहीं, हेलमेट नहीं पहना, तो मैं हेलमेट पहनना भूल गई, तो मैं फटाफट से पहले हेलमेट निकालती हूँ। और देख लो मैं क्या करती हूँ कि मैंने अपनी स्कूटी जो है वो स्टार्ट रखी दी है, और पहले तो मैं चाबी इसमें से निकाल लेती थी, बट अब इसका लॉक चेंज हुआ है स्कूटी का, तो कुछ नहीं। और मैंने फटाफट से अपना हेलमेट निकाल लिया और मैं इसको पहन लेती हूँ। वाह, मुझे एक हाथ से हेलमेट पहनना आ गया लेकिन ये इधर फंस गया। हाँ, तो मैंने अपना हेलमेट पहन लिया और लेट्स गो। और मैंने इसलिए अपना स्कूटी का कंसीडर करा क्योंकि उसको मैं लास्ट टाइम वाली वीडियो में आपने देखा होगा मैं अपने भाई के साथ आई थी बाइक पे, तो उसने तो पूरी स्पीड में उड़ाई थी और जिसमें कि मैं वीडियो भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि नहीं, मैं आज स्कूटी पे जाती हूँ, आराम आराम से घूमती और ताकि आपसे बातें भी करती जाऊँ आराम से। देखो मैं ड्राइव भी कर रही हूँ और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। देखो मेरा टैलेंट। पेट्रोल की कीमत देखी तो मुझे पता चला कि मुझे टाइम से पेट्रोल डलवा लेना चाहिए, तो इससे पहले मुझे रास्ते में स्कूटी को धक्के लगाने पड़े। मैं तो लगा भी नहीं पाऊँगी इतनी देर तक, और मैं फिर पहुँच गई। हाँ देख लो, लाइन पूरी लंबी लाइन लगी हुई है। मेरा नंबर बहुत देर में आएगा। इधर स्कूटी की लाइन है, उधर गाड़ियों की लाइन है, उधर तो पूरी लाइन लगी है पीछे तक। इधर भी पेट्रोल वाली लाइन है पर इधर बंदे कम हैं, पर मैं इधर ही खड़ी होगी। इनका कोई बात नहीं, इधर नंबर आ जाएगा अपना। तो मैं यहाँ पहुँच गई थी। ये है हुंडई का, इनकी पार्किंग के नीचे मैंने पार्किंग में स्कूटी लगाई और मैं ऊपर की साइड जा रही हूँ इनके यहाँ पे। लेट्स गो, देखते हैं ये हमें कौन कौन सी कारें दिखाते हैं, कौन कौन सी सुंदर है। तो हम यहाँ पे भी क्रेटा खड़ी नहीं हुई है, क्रेटा की भी पूरी डिमांड चली हुई है, कोई भी अवेलेबल नहीं है क्रेटा। और बाकी हमने सारा उन्होंने हमें बता दिया, अमाउंट वगैरह उन्होंने लिख के दे दिया हमें। हमने जोन सा एडिक्शन पूछना था वो उन्होंने 2-3 हमें ऑप्शन बता भी दिए, सारा कुछ समझा दिया। अब ये बोल रहे हैं शायद इनके गोडाउन वगैरह में स्टॉक में खड़ी है, तो एक बार वहाँ चलते हैं और फिर जाके देखते हैं इसमें, क्योंकि एक्चुअल देख के ही पता चलती है, फ़ोटो और वीडियो में से इतनी अच्छी पता नहीं चलती। तो एक बार चलते हैं, देखते हैं, लेट्स गो। ये नाइट एडिशन वाली क्रेटा है, पता ही नहीं चल रहा इसका ब्लैक कलर है या ग्रे कलर है, धूल इतनी चढ़ी है। भाई ये हाल होता है, गाड़ी नई जब पहुंचती है उससे पहले गोदामों में ये अपने ऐसे रख के रखते हैं, कपड़ा मार के धुलवा के फिर डिलीवरी कर देते हैं बंदे को। मुकेश कहेगा कहाँ से गाड़ी लेने गई थी, उसको समझ ही नहीं आएगा ये कौन सी गाड़ी है, कलर क्या है, लुक क्या है, समझ नहीं आएगी। लाइट्स वगैरह में खड़े हैं तो गाड़ियाँ बंद हो जाएगी जब आप वहाँ ब्रेक मारोगे और लाइट। इसकी अभी पेंट नहीं हुई रेड, रेयर फ्रंट में ही आएगी सिर्फ रेड। ओके, इसमें सिर्फ सिंपल आएगी, कीलेस एंट्री रहेगी। अच्छा कीलेस एंट्री है। वो कौन सा था, एडवेंचर? एडवेंचर नहीं खड़ा होगा ना यहाँ पे। तो भाई मैंने देख ली यहाँ पे गाड़ी पर, इन्होंने मेरा पूरा टाइम काट लिया, पूरा भाई पका दिया मुझे इन्होंने बात कर करके। मैं तो इतनी परेशान हो गई ना, मेरे को था बस पीछा छोड़ो मेरा, बंदे छोड़ने भी नहीं आ रहे थे। उनको तो ऐसे हो रहा था बस अभी फाइनल कर दो इसको, अभी हाँ कर दो, अभी हाँ कर दो। ऐसे थोड़ा ना होता है भाई कि मैं, मेरे घर में कोई है नहीं क्या भाई डिसीजन लूँ ना, बैंक का लोन का ऑफर आज अवेलेबल है कल नहीं है, नहीं है, बस इनकी बातें ही चल जा रही थी। तो पक गई बस, मैं किसी तरह उठ के आ गई बाहर। और मैंने जाना था किसी और शोरूम पे भी, लेकिन अब मैं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, इन्होंने इतना ज़्यादा थका दिया बातें कर करके। और चलती हूँ अब मैं नेक्स्ट कुछ खाने पीने के लिए, और फिर चलते हैं। हमारा एक पैकेज भी आया हुआ है गूगू के लिए अमेज़ोन से, उनके वहाँ से उठाते हैं जहाँ उनका ऑफिस है, क्योंकि वो कहते हैं कि डिलीवरी वाला पर्सन वो है नहीं, 1-2 दिन लगेंगे उसको डिलीवर करने में। तो मैंने कहा हम खुद ही उठा के चलते हैं, तो फिर चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। तो मैं पहुँच गई 26 की मंडी, मेरे को सब्जियाँ लेनी थी कुछ, तो मैंने कहा खाना पीना गया बाहर में, मैं तो इतना पका दिया मेरे तो बस रोने वाले हालात हो रहे हैं, बस आंसू नहीं निकल रहे आँखों से। और मैं पहुंच गई बस 26 की मंडी, सामान ले लेती हूँ और अपना घर चलती हूँ। भाई मैं तो परेशान हो गई, मैंने जाना था टाटा के शोरूम में भी एक बार, बट सॉरी मैं उसका नेक्स्ट जब जाऊँगी उसकी वीडियो कैप्चर करूँगी तब आपको दिखाऊँगी, बट सॉरी आज के लिए नहीं जा सकती मैं और ज़्यादा इससे। बस फटाफट से जाके अपनी सब्जियाँ लूँ और घर जाऊँ, भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ मैं, सुबह से ऐसे ही निकल के आई हुई हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। बस लेट्स गो, फटाफट से चलो अपनी सब्जियाँ लो और घर निकल लो। तो मैंने अपनी सब्जी ले ली थी और मैं से लाद ली, सारी की सारी स्कूटी लग गई मेरी। और बस अब जब गूगू का पैकेज लेने के लिए निकलते हैं, और चलो फिर मैं आपको पैकेज दिखाती हूँ वहाँ पहुँच के। और अब गूगू की पैकेज के लिए मेरे फोन में बैटरी और मेरे ख्याल से 9-10% रह गई, और बस क्या बोलते हैं मैंने नेट ऑफ करके अपना वो तो लगा दिया। और अब मैं जा रही हूँ, ये अपना पंचकुला इंडस्ट्रियल एरिया में बताया उसने ना बंदे ने, तो देखती हूँ मैं कहाँ यहाँ पे पड़ेगा। तो ये मैंने ले लिया, यहाँ ये अमेज़ोन का वेयर हाउस था और ये मैंने ले लिया, कुछ नहीं मंगाया मैंने। तो बस एक वो था छोटा सा, क्या बोलते हैं, चॉपर काइंड ऑफ, कि मेरा जूस जास निकल जाए क्योंकि मुझे आदत है जूस वगैरह की। और एक सैंडविच का है क्योंकि सैंडविच आपको पता ही है मेरे फेवरेट हैं। तो बस ये दो चीज़ें मंगाई थी क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट में जो है रोटियाँ राटियाँ खानी पसंद नहीं है ज़्यादा, ना मैं खा सकती रोज़ रोज़, तो इसलिए मैंने मंगाया। और प्लस में मेरे को गुड्डू को दोनों को जूस पसंद है तो मैंने ले लिया। देख लो मेरा हालात है, ऐसे चलाऊँगी स्कूटी, पूरा सामान भर गया। और शुक्र है मेरा फ़ोन चल गया था, मेरी बैटरी बिल्कुल डेड थी। चलो फटाफट से चलते हैं और घर चल के एंड करूँगी वीडियो में आराम। स्टे ट्यून। ऊपर से आवाज़ आ रही है। हेलो गुगू, हेलो 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 बोलो उसको, हेलो हेलो हेलो। हाँ तो मैं बस घर पे पहुंच गई। अभी अभी मैंने कपड़े कपड़े बदल लिए। नहीं गुड्डू अभी नहीं खोलनी है, पिज्जा के साथ खानी थी ना आपने। नहीं नहीं ऐसे नहीं खोलनी। हाँ और गुगू पूरी खुश हो रही है। और इसके लिए एक सरप्राइज़ पार्सल आना था, वो आज आया नहीं। फिर जब वो आएगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। गुगू के लिए सरप्राइज़ है, मोस्ट अपेटेड पार्सल है इसका। पूरी खुश हो जाएगी गुगू। हाँ गुगू की क्रीम आ गई, सरप्राइज। हैप्पी हैप्पी। हाँ अभी लगाऊंगी। तो बस देख ली और मैं पक गई थी। मेरे को उन्होंने इतना ज़्यादा इंसिस्ट करा, वो तो बस कह रहे थे आज ही डील कर दो मैडम आज ही। बस फिर गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, दिसंबर में इजीली मिलती नहीं है। तो बस किसी तरह मैं जान बचा के निकली, नहीं तो मैंने एक दो जगह और जाना था पर नहीं हो पाया। उन्होंने इतना ज़्यादा टाइम ख़राब कर दिया। फिर उनके पास वो भी नहीं था अवेलेबल मॉडल। फिर हम उनके गोडाउन में देखने गए थे, वहाँ पे भी जाने के लिए हमें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 40 से 45 मिनट उन्होंने बिठा के रखा था कि आ रहा है बंदा। और बस उसके बाद हमने वो देखा और अब देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सा लेना है मॉडल और फिर आपसे शेयर करते हैं। तो डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड डू कमेंट कि आज की वीडियो कैसी लगी। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।